नमस्कार, केके आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। और माटुताल थाना क्षेत्र में मसाला व्यापारी पर गोली चलाकर गंभीर रूप से घायल करने वाली घटना का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। कंट्रोल रूम में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने घटना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी की रात तिलवारा घाट निवासी किराना व्यापारी छोटू पटेल अपने रिश्तेदारों के साथ जन्मदिन मनाने ढाबा गया था, जहां पर इन लोग की शराब पार्टी चल रही थी। वहीं पर धर्मेंद्र भी अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा। धर्मेंद्र और छोटू पास पास बैठे थे। इस दौरान उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। छोटू ने धर्मेंद्र को बहुत मारा। लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे पर छोटू मारे जा रहा था। इस घटना से धर्मेंद्र अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। धर्मेंद्र ने बना लिया था कि हर हाल में छोटू को जान से खत्म करना है, जिसके बाद मन ही मन बदले की आग में चल रहे धर्मेंद्र ने अपने दोस्त शूटर अनुज खटिक को पूरी घटना बताई। अनुज का भी छोटू पटेल से पुराना विवाद चल रहा था। इसके बाद धर्मेंद्र और अनुज छोटू की रेकी करने लगे। 4 फरवरी को दोनों तिलवारा के पास स्थित घर के पास तलाश कर रहे थे पर वे नहीं मिला। आरोपी को पता चला कि माटोताल के पास छोटू की किराना दुकान है। दोनों आरोपी 5 फरवरी की दोपहर दुकान के पास मुंह पर कपड़ा बांध कर पहुंचे। धर्मेंद्र बाइक में बैठा रहा और अनुज सामान खरीदने के बहाने से दुकान पहुंचा, जिससे ही छोटू सामान उठाने के लिए उठा तभी अनुज ने उसके पेट पर फायरिंग कर दी। घटना का अंजाम देने के बाद बाइक में सवार होकर आरोपी फरार हो गए। वारदात के बाद माटुताल थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगाला तो 2 लड़के अपने चेहरे पर कपड़ा बांध कर भागते हुए दिखे। पुलिस ने जब घायलों के परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि 2 फरवरी को धर्मेंद्र और छोटू का विवाद हुआ था, जिसके बाद छोटू पटेल ने तिलवारा थाना पुलिस में शिकायत करवाई थी, जबकि धर्मेंद्र का पुलिस से कहना था कि यह मेरा आपसी मामला है, मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं करनी है। पुलिस ने छोटू पर प्राणघातक हमला करवाने वाले धर्मेंद्र वेदही और उसके साथी शूटर अनुज खट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। वही एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना माड़ोताल के बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े भरे बाजार में कुछ अज्ञात नकाबपोश लोगों ने एक व्यापारी को गोली मारी थी। वो व्यापारी जो है मसाले का काम करता है, सड़क पर बेचता है, और चूंकि ये घटना ऐसी थी जो कि एक सनसनी फैलाने वाली थी और बाजार के व्यापारियों को भय उनमें व्याप्त करने वाली थी, तो इस घटना के मद्देनज़र पूरी पुलिस सक्रिय हुई, विशेषकर जिस क्षेत्र की थाना माड़ोताल पुलिस है, और उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए इसमें खास ये है कि वो अपना चेहरा छिपाए हुए थे और एक बुलेट से 2 व्यक्ति आए और उन्होंने जो घायल है छोटू पटेल इसके पेट में गोली मारी थी, तो उसकी हालत तो ठीक है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो आरोपियों का पता चला और बहुत शीघ्र ही थाना माड़ोताल की पुलिस ने उन आरोपियों को जिंदा कारतूस और जो पिस्टल है जो सही सलामत है, जिससे और भी फायर किए जा सकते हैं, और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको जब्त किया है। और इसमें 3 आरोपी हैं। एक आरोपी जिसने कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था कि किस प्रकार से घटना करनी है, और बाकी जिन 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया उसमें एक रोहित यादव है जो कि अभी फरार है, जो कि अपनी बाइक चला रहा था, और बाकी जो 2 मुख्य लोगों को पकड़ा गया है। क्या नाम है इसका? एक आरोपी है अनुज खटीक, जिसने कि गोली चलाई थी, और रोहित यादव गाड़ी चला रहा था, और जो मास्टरमाइंड है वो है धर्मेंद्र महाराज। अब इस घटना के पीछे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि थाना तिलवारा में 2 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें इस घटना का जो घायल है उसके भाई नवनीत पटेल के साथ आरोपियों का विवाद हुआ था, और इस विवाद के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया कि उनको शीघ्र पकड़ लिया गया है। इन आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं थाना गढ़ा में और तिलवारा में भी, और अब इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो जबलपुर पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जिनके भी बॉडी ऑफेंस 2 या 2 से ज़्यादा हैं, या तो उनको बॉन्ड ओवर करवाया जाएगा
बॉन्ड ओवर का मतलब ये होगा कि उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि वो और भी घटनाएं ना करें, और अगर वो सक्रिय हैं तो उनके खिलाफ़ NSA और जिला बदर की कार्रवाई भी करने का कल से शुरू किया गया। ये नए नए उभरते हुए गैंग हैं और नए नए उभरते हुए आरोपी हैं, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए और भी जो पुलिस की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जैसे कि गैंग हिस्ट्री शीट बनी हुई है, इनके मेंबर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हैं, इन पर भी कार्रवाई करने के लिए आज पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा निर्देशित किया गया है। सर, इसमें एक चीज सामने आई थी, जब आरोप ये घटना घटी थी उसके बाद उनके जो विजन पक्ष है उनका कहना था कि वो लोग जितनी घटना घटी जो कोर्ट में पहुंचे गए थे तो वहाँ बोल दिया गया था कि ये हस्तक्षेप योग्य नहीं है, कोर्ट जाने की सलाह दी, उसमें क्या कुछ? वहाँ थाना तिलवारा में अदम दस्तानदाजी NCR रिपोर्ट दर्ज की गई थी, हालांकि ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं है, ये सही है, परंतु तब भी घटनास्थल का मौका मुआयना पुलिस के द्वारा किया गया था। उनको कहाँ से अरेस्ट किया और कैसे पहचान में? ये घटना करते ही जंगल की तरफ भागे थे, और चूंकि भरे बाजार की घटना थी तो कुछ लोगों ने इनको देखा था, इनके हुलिये से, इनकी मोटरसाइकिल से, और वो जो एरिया है वो CCTV से कवर है, तो उन CCTV से क्लू लेते हुए और भी कई इन्वेस्टिगेशंस के क्लू मिलते गए और उनको पकड़ा गया। तीनों आदतन अपराधी? तीनों तो नहीं कह सकते, अभी एक के खिलाफ तो रिकॉर्ड है। जी, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।